दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। बिलवड गॉड, हेल्प अस ऑल टू लव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड स्टिल येट मोर टिल वी बिकम वर्दी ऑफ यूनियन विथ यू एंड हेल्प अस ऑल टू होल्ड फास्ट टू बाबाज दामन टिल द वेरी एंड। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये क्रिएशन एंड कॉजेस किताब हम पढ़ रहे हैं, इसमें अभी 17 दिसंबर का लेक्चर हमने पूरा किया पिछली बार, आज अब 18 दिसंबर का लेक्चर शुरू करेंगे, जिसके भी वापस उत्क्रांति के संबंध में ये लेक्चर है, लेकिन एक अलग प्रकार से बाबा ने बच्चों को ये समझाया, क्योंकि ये बच्चे थे तो एक आकृति के माध्यम से और एक गुड़िया के माध्यम से, उसके उदाहरण से पोस्चर्स के बारे में जो हमने पहले डिस्कोर्सेस और गॉड स्पीक्स में पढ़ा है, तो पोस्चर्स का यहाँ पर बाबा ने गुड़िया का उदाहरण दे के पोस्चर्स के बारे में भी बाबा ने समझाया है। तो इसके लिए आज शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ गोयल सर जी से कि आप पढ़ना शुरू करें। सर जय बाबा। जय बाबा। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ संडे 18th दिसंबर 1927 पेज 198 क्रिएशन एंड कॉजेस। सो व्हाट वाज कॉल्ड द स्पिरिचुअल आवर फ्रॉम 6:30 टू 7:30 पीएम यूजुअली फीचर्ड ए लेक्चर by one of the mandali. On this occasion, however, Baba took over this slot himself, summoning the mandali to join the Meher Ashram boys and broaching the subject of evolution. As a pedagogical aid, Baba made use of a cloth doll which he manipulated into various postures to illustrate the varied forms that the soul assumed in its evolution from stone to human. Thank you, sir. तो यहाँ पर यहाँ थोड़ी पूर्व पीठिका दी है कि 6:30, जैसे कि हमने पहले जो मेहराश्रम की हिस्ट्री देखी उसमें हमने देखा कि साढ़े कैसा उनका दिनचर्या होती थी मेहराश्रम के बच्चों की, तो 6:30 से 7:30 ये जो एक घंटा होता था इसमें मंडली जन जो है वो बच्चों को समझाते थे, लेक्चर देते थे। हालांकि वो स्पिरिचुअल आवर आध्यात्मिक तास उसको कहते थे, और इसमें वो मंडली जन कई सारे उस एरिया के संतों के बारे में, सदगुरु के बारे में, अवतार के बारे में, स्पिरिचुअल सारी आध्यात्मिक बातें बच्चों को समझाते थे। तो ऐसा एक घंटा मंडली जन वो लेक्चर लेते थे, लेकिन ये जो हमेशा का साधारण नियम था उसको ये करके इस खास मौके पर बाबा ने स्वयं ही वो 6:30 से 7:30 के बाद तो बाबा स्वयं सिखाते थे बच्चों को, एक घंटा सब स्पिरिचुअल बातें बताते थे, परंतु बाबा ने ये जो मंडली का था एक घंटा वो भी स्वयं ने ही ले लिया। जैसे कि काफ़ी सारे लेक्चरर्स और टीचर्स हमारे ग्रुप में है, जानते हैं, उन्होंने क्लब किया उस घंटे को, और उन्होंने मंडली जन को भी सभी को बुलाया उसमें शामिल होने के लिए, बच्चों के साथ सबको मंडली को बताया कि आप भी बच्चों के साथ शामिल हो जाओ। और फिर बाबा ने इस लेक्चर में एक घंटे में उत्क्रांति के ऊपर सब समझाया, और यहाँ पर बाबा ने एक शिक्षा का माध्यम के रूप से जो पोस्चर्स होते हैं, ढंग होती है या मुद्राएं या दशा होती है, जो पोस्चर होता है, पोस्चर बहुत अच्छा शब्द है इंग्लिश शब्द, तो ये हर योनि में आत्मा का कैसा पोस्चर होता है, दशा होती है या ढंग होता है, उसको समझाने के लिए बाबा ने एक कपड़े की गुड़िया डॉल अपने साथ लाई है, और उसके उदाहरण के उसको लिटा के, उल्टा पकड़ के, सीधा पकड़ के, जो भी विविध ढंग होते हैं, तो उस गुड़िया के माध्यम से उसको दिखा करके आत्मा किस प्रकार से, जैसे रूप बदलते हैं आत्मा के, यानी योनियां बदलती है, उसका माध्यम मतलब शरीर ये रूप बदलता है, तो वैसे उसका पोस्चर कैसा बदलता है,
कैसा उसका मुद्रा, कैसे उसकी मुद्रा बदलती है, तो पाषाण योनि से मनुष्य योनि तक तो उसमें कैसे बदल होते जाते हैं, ये बाबा ने वहां समझाया ये सब। In that hour, in the hour that followed, Baba proceeded to explain the plains and the skies. No record of this talk survives in our source manuscripts. However, in the Creation and in Causes series, Baba arrives at this topic in his lecture of 27th December. Yeah, thank you, sir. So, इसके पश्चात 7:30 बजे बाबा का अपना घंटा रहता था, जब बाबा बच्चों को पढ़ाते थे, तो उस समय में बाबा ने जो भूमिकाएं और आकाश, स्काई, 7 skies जो हम बोलते ना, 7वां आकाश, 7 आसमान, आसमान के बारे में और भूमिकाओं के बारे में, जो कि बहुत दिलचस्प और रहस्यमय टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर बाबा ने बताया, परंतु उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर उस दिन का उपलब्ध नहीं है, परंतु इसी श्रृंखला में, इसी किताब में आगे 27 दिसंबर को बाबा ने इस टॉपिक पर लेक्चर दिया। यस सर। अच्छा, वो मैं आकृति समझा दूं कि हम फुटनोट पढ़ेंगे। देखो इस लेक्चर, देयर इज अ लेजेंड आल्सो एट द बॉटम। या आप पढ़ सकते जी, लेजेंड जो नीचे है, द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस लेक्चर as they describe to us through the surviving manuscripts contain a number of incongruities and inconsistencies. Probably this was due to errors and omissions in the Mandali note taking, since this task entailed recording not just the words that Baba said, but what he demonstrated with the cloth doll. For a full discussion, see Appendix 2, page 466 to 97. The edited text of this particular lecture draws heavily not just on the 3 explanations, manuscripts, but on the other source as well, especially Ramju's explanations in pencil, page 17 to 20. It's very small, very difficult to read. एंड नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हमेशा एडिटर्स कहते हैं कि यहाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनका ये कहना है कि इसमें ये लेक्चर जो मैन्युस्क्रिप्ट है, कई सारे उनको फ्लॉज दिखाई दिए है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर उल्लेख किया है अपेंडिक्स का, तो हम अपेंडिक्स बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा कुछ खास लगा तो ही पढ़ते हैं यहाँ पर ऑनलाइन में, परंतु अभी जो हमारा अपना ग्रुप है बुक रीडिंग का, जो क्रिएशन एंड कॉजेस का व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां हम रोज पेजेस डालते हैं, एंड थैंक्स अ लॉट टू अरुण गोयल सर एंड नीलम, क्योंकि उन्होंने आजकल ये जिम्मा संभाला है किताब में से वो रोज एक पेज टाइप करके भेजने का, और यहाँ मराठी का केतकी ने संभाला है, थैंक यू दोनों को भी। तो ये वहां पर हमने ये अपेंडिक्स पूरा डाला है, 508 या 509 पेज तक, यदि किसी को इसमें रुचि है और आगे पढ़ने की, तो आप अपेंडिक्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला वहां पढ़ सकते हैं। या हम यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि काफी, जैसा कि हम देख रहे हैं, बाकी लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि कई सारी संज्ञाएं हैं यहाँ पर, टर्मिनोलॉजीज है, कई सारी बातें हैं अध्यात्म की, जो कि ये फॉरिनर्स को इतनी ठीक से नहीं पता, तो ये उलझे रहते हैं, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, ये ऐसा था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शायद गलत है, तो जिससे हम सहमत नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है उसको यहाँ पढ़ने का, क्योंकि बाबा का लेक्चर पर ही हम फोकस करेंगे, वो काफी क्लियर है। हाँ, उनको दिक्कत हो गई होगी जब ये किताब छप रहे हैं, तो इनका फर्ज बनता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली, उसके बारे में वो देते हैं कि यहाँ का पन्ना फटा था, यहाँ अक्षर गायब हुए थे, यहाँ खाली था, क्योंकि क्या होता था, मंडली जब राइट डाउन करते थे, अचानक बाबा की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी, आज्ञा थी कि जैसे वो बुलाए हाथ का काम छोड़ के आना है, तो कई बार होता है कि वहाँ अधूरा रह गया या कुछ भी हो, उनको नहीं समझ में आया, या बाद में बाबा ने उनको समझाया, तो जो भी है
वो सब उन्होंने उसमें डिटेल्स दिए हुए है। आज आगे हम चलते हैं, आकृति 24 दिखाना बेटा प्लीज। कौन कर रहा है, श्वेता कर रही होगी ना, श्वेतांबरी फिगर 24 दिखाना। हाँ जय बाबा, इसको थोड़ा हाँ जी इसको हम समझाते हैं, देखते हैं और फिर उसके पश्चात इसका की टू फिगर 24 सर पढ़ेंगे। ये जो आकृति 24 है ये नहीं है, ये आकृति इससे पहले वाला सिंपल गोल वाले, इस सिंपल गोल वाले, हाँ जी सिंपल गोल वाली आकृति है, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। एक आकृति के माध्यम से बाबा ने बच्चों को ये जो उत्क्रांति की प्रक्रिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि एक गोला है सिंपल और कुछ भी नहीं इस आकृति में, और ऊपर जहाँ हमेशा बाबा दिखाते हैं गॉड करके, तो ये ऐसा ईश्वर है और यहाँ उत्पत्ति बिंदु है, और ये उत्पत्ति बिंदु से ये आकृति दिखा रहे हैं अभी आपको श्वेतांबरी स्क्रीन पर। तो ये उत्कृत उत्पत्ति बिंदु है या ओम पॉइंट है, तो यहाँ उसको द क्रिएटर निर्माता करके कहा है, ईश्वर निर्माता है, और आगे एक बड़ा गोल दिखाया है जी, जो कि दर्शाता है वहाँ उत्पत्ति शुरू हुई पाषाण से, पाषाण से लेके फिर वो आया धातु तक, फिर वो आया वनस्पति तक, वहाँ से वो गया है कि पशु, और इसके बाद वो आया है वापस मनुष्य योनि तक। लेकिन यहाँ पर बाबा ने ये उत्क्रांति, क्योंकि ये तभी उस समय के लिए ये टॉपिक नया था, अब तो बाबा प्रेमी जगत में गॉड स्पीक्स डिस्कोर्सेस के माध्यम से सबको अभी ये उत्क्रांति ये सब कुछ अभी घिसा पिटा है, पता है पूरा। लेकिन तब बाबा बच्चों को ये जानकारी दे रहे थे कि उत्पत्ति सृष्टि की कैसे हुई और आत्मा की उत्क्रांति किस प्रकार से होती है, एकदम जो उत्पत्ति बिंदु के लग के है कि जहाँ से उत्पत्ति शुरू हुई उत्क्रांति, वो है पाषाण, और जब ये विकास पूरा होता है आगे हम देखेंगे, जैसे कि उसका शरीर का विकास पूरा होता है, उसका पोस्चर सही होता है, उसके साथ ही उसकी चेतना का विकास पूरा हो जाता है, तब वापस वो मनुष्य उत्पत्ति बिंदु ओम बिंदु के पास में आता है, ईश्वर के पास में आता है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है और उत्क्रांति के माध्यम से चेतना का पूरा विकास करके उसको संस्कारों से मुक्त करके मानवीय चेतना को दैवी चेतना में बदल करके स्वस्वरूप को जान के ईश्वर साक्षात्कार करना, यही उसका इस सब सृष्टि का उद्देश्य है। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार से जो उत्क्रांति है वो पाषाण से शुरू हुई और वापस वो ओम बिंदु के नजदीक आई मनुष्य में, मनुष्य जो योनि है वो ईश्वर से, बाबा ने एक जगह लिखा है कि ईश्वर का जो रूप है प्रतिमा है उसको मनुष्य की आकृति दर्शाती है, ऐसा एक बाबा का सेंटेंस है इसी में। तो यहाँ पर ये आकृति के माध्यम से बाबा बच्चों को उत्क्रांति का जो चक्र है वो समझा रहे हैं। आगे इसी आकृति का मूल बेस पकड़ करके बाबा ने पोस्चर समझाया है। फिलहाल मैं सर को विनती करती हूँ कि की टू फिगर 24 थोड़ा पढ़ देवे। ओके। शायद एक मेरा मन में ख्याल आया, हाँ इसीलिए शायद वो पत्थर की ही, जो भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं ज्यादातर अधिकतर पत्थर की भगवान की मूर्ति बनाई जाती है क्या, इसलिए मालूम नहीं, जस्ट एक ख्याल आया, पासिंग थॉट्स। यस सर, जय बाबा। दिस सिंपल डायग्राम इलस्ट्रेट्स द इवोल्यूशनरी प्रोसेस एज ए सर्कुलर मूवमेंट दैट बिगिंस इन स्टोन फॉर्म ऑलमोस्ट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द क्रिएटर पॉइंट that proceeds through metal, vegetative and animal forms and that culminates in the human form. Once again back in close proximity to the creator point. Through the explanations, manuscript do not provide this diagram. Sources and analogies for it can be found in six other places, always at junctures clearly corresponding to this moment in Baba's explanation on the topic of evolution. Thank you, sir.
तो ये सिंपल एक आकृति है जो कि ये उत्क्रांति की प्रक्रिया को एक गोलाकार की आकृति के मूवमेंट में बताती है, जो कि उत्पत्ति बिंदु के पास में लग कर पाषाण से शुरू होके इमीडिएटली, जैसे कि एकदम वो उत्पत्ति बिंदु या ओम बिंदु के पास में है जो पाषाण योनि है, और वहां से शुरू होके वो आगे बढ़ती है और धातु वनस्पति और पशु रूप में, और फिर वो मनुष्य का रूप लेती है, जो कि वापस पुनः एक बार, जैसे हम देखते हैं कि स्टोन के बाद में धातु है, वनस्पति है, पशु है, ये ओम बिंदु से या उत्पत्ति बिंदु से काफी दूर हट गए हैं, तो मनुष्य रूप में वो उत्क्रांति वापस पुनः एक बार ओम बिंदु के पास या उत्पत्ति बिंदु के पास आती है। सर आगे चलते हैं। अच्छा, ये आकृति अभी 25 दिखाएगा श्वेतांबरी, एक बार इस आकृति को मैं स्पष्ट कर दूं, बाद में सर इसका की टू फिगर 25 पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे आगे से कि एक हमारे सेशन में एक लेक्चर पूरा करने की कोशिश करेंगे, जहां तक संभव हो तो अच्छा रहता है। श्वेतांबरी को अभी आकृति 25 प्रेजेंट करनी है। तो ये द ह्यूमन फॉर्म एज द ओनली फॉर्म इन इवोल्यूशन, ये अभी आकृति 25 अभी श्वेतांबरी दिखाएगी। उनके यहाँ थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा उसको प्रेजेंटेशन में उसका लैपटॉप टाइम लेता है, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो आकृति 25 है, तो इसके माध्यम से बाबा ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो उत्क्रांति है, इस उत्क्रांति के बीच में चाहे रूप कोई भी हो, असल में वो रूप मनुष्य का ही उसमें होता है, और मनुष्य का रूप ईश्वर की प्रतिमा को प्रतीत करता है, ऐसा बाबा ने कहा है। आप कहोगे कि पत्थर में मनुष्य का रूप कहाँ से आया, स्वाभाविक है ऐसा मन में आना। तो बाबा ने एक कपड़े की गुड़िया अपने साथ लेके गए थे, उसके माध्यम से बाबा ने उसको तोड़ मरोड़ करके काफी सारा यहाँ उदाहरण दिया है। अब आप आकृति पर ध्यान दीजिए, जैसा कि देख लीजिए, बाबा ने वो कपड़े की गुड़िया को पूरा मोड़ दिया है, गोल बना दिया है, और जहाँ हम देखते हैं कि पाषाण योनि में भी मनुष्य का, इसके लिए बाबा ने इसका हेडिंग क्या दिया है, द ह्यूमन फॉर्म एज द ओनली फॉर्म इन इवोल्यूशन, उत्क्रांति में मनुष्य का रूप ही केवल एक रूप होता है, जो कि अलग अलग माध्यमों से गुजरता है। अब पाषाण में मनुष्य का रूप कहाँ है, ना ही उसके आँख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, ना सर है, ना मुख है, ऐसा हम सोचेंगे। तो बाबा ने देखो उस गुड़िया को पूरा ऐसा मोड़ दिया है, कपड़े की गुड़िया है तो मुड़ जाएगी, और आप देख रहे हैं आकृति में कि उसका सर और उसके हाथ पैर सारे इकट्ठे आ गए हैं, गोलाकार में वो फंस गया है, मनुष्य का रूप गोलाकार कर दिया। तो कैसा होगा, योगा में आप लोग कोशिश करते हैं झुक करके बैठ करके आपने अंगूठे को पकड़ने की आप कोशिश करते हैं, बराबर, आप अंगूठे पकड़ के अपना सर अंगूठे को पैर को लगाकर बैठते हैं, तब हमारा आकृति कैसा बनता है, बिल्कुल इसी तरह से बनता है। आप लोग देखिए, जब हमारे बैठ करके हम हमारे पैर आगे फैलाएंगे, हमारे हाथ से पैरों को पकड़ के हमारा सर हम अपने पैरों पर झुक करके रखेंगे, तो बिल्कुल जैसे हमारी आकृति बनती है, बिल्कुल वैसी ये बाबा ने पाषाण योनि में आकृति बताई है। और मतलब ये तो एडिटर ने उस पूरा लेक्चर को पढ़ करके ये आकृति को डेवलप किया है, क्योंकि वहाँ पर तो बाबा प्रैक्टिकली वो गुड़िया को तोड़ मरोड़ करके ये सारा आकृति मतलब समझा रहे थे, उसको एक साधन के रूप में बाबा ने उपयोग में किया था। तो ये पाषाण योनि में भी मनुष्य का रूप इस प्रकार होता है कि हाथ पैर सर सुरा उसका एक जगह में होता है। अब वो जब मनुष्य आत्मा पाषाण के सारे विविध प्रकार में अपना रूप बदल करके कई काल बीत जा कल काल युग बीत जाते हैं, कई युग बीत जाते हैं, कई काल चक्र बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, उसके पश्चात जब उसकी पाषाण योनि की यात्रा आत्मा की खत्म होती है, तो आत्मा क्या है, उसको अब ये पाषाण और योनि
दोनों को भी बाबा ने ये पहले टोन की अपने पाषाण जो धातु है साइंस के शास्त्र के रूप से देखा जाए तो दोनों में प्राणहीन है शास्त्र के हिसाब से, मतलब वहां क्यों है उनकी अपनी स्वयं वॉलेंटरी मूवमेंट नहीं है, अपने मन से वो कोई हलचल नहीं कर सकते, हिलडुल नहीं सकते हैं, अपनी जगह बदल नहीं सकते हैं, तो और वहां पर चेतना बिल्कुल ना के बराबर एकदम सूक्ष्म चेतना होती है, तो इसीलिए पाषाण और धातु को बाबा ने एक जगह यहाँ पर डाला है कि धातु में भी करीब इसी प्रकार होता है। अब पाषाण और धातु योनि से गुजरने के पश्चात उत्क्रांति के चक्र में आगे आत्मा लेता है वनस्पति का रूप। अब हमने जैसा देखा कि वनस्पति के योनि में थोड़ा उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसे बोलते हैं सहज प्रवृत्ति थोड़ी विकसित होती है, जहाँ वो अपने आप क्या करता है, जहाँ पानी का स्रोत है उस तरफ उसके जो जड़ है वो जाकर के अपना खाद ले लेती है, पानी ले लेती है। जैसे कि कोई वनस्पति है जिसे हम लाजाड़ू बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, जैसे कि उसके पन्ने को हाथ लगाओ तो ये मिट जाता है। सूरज का फूल है, जैसे सूरज है उस तरफ में वो घूमता है, तो थोड़ा इस प्रकार से ये जो वनस्पति रूप में यहाँ पहला टर्न होता है, पहला मोड़ आता है। अब किसका मोड़ है ये, उसका पोस्चर का, दशा का, ढंग का, या मुद्रा जो है उस रूप की मुद्रा पहले मोड़ पर थोड़ी बदल जाती है। और वो कैसे होती है, यदि आप लोग शीर्षासन करो सर नीचे और पैर ऊपर, तो जैसे हमारी दशा होगी बिल्कुल उसी दशा में ये पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें मतलब उनके बाल मुख है, और उनकी जो शाखा है ऊपर है वो हाथ और पैर है। और बाबा ने आगे जाके ये भी कहा कि एक प्रकार का पेड़ है जहाँ केवल उसकी चार ही शाखाएं रहती है, दो हाथ और दो पैर के रूप में, वो पहले अवस्था है वनस्पति रूप में। तो मैंने वो कल काफी सारा खोजने की कोशिश की, शायद गोयल सर या शास्त्र वाले कोई गांगड़े सर कोई है तो वो बता सकते हैं कि ऐसा एक पेड़ है कि वहां पर बाबा कहते कि कई प्रकार के पेड़ है, और एक पेड़ होता है कि तने से लेके एकदम केवल मुख्य उसकी दो शाखाएं होती है और फिर आगे होता है। तो यहाँ पर पाषाण और धातु योनि के पश्चात आत्मा अपना दशा है, अपनी मुद्रा बदल देती है। यहाँ पहला टर्न आता है, पहला मोड़ आता है जहाँ पर उसके सर ऑलरेडी नीचे था, उसके हाथ और पैर ऊपर हो जाते हैं और सर नीचे होके, तो वनस्पति दशा में ये बिल्कुल उल्टी दिशा में होता है। इतनी पूरे उत्क्रांति के इस विकास के क्रम में इतनी एक ही एक अवस्था है, रूप है कि जो उल्टा है, यहाँ पर उसका इसकी मुद्रा कंप्लीट उल्टी है, ढंग जो है उसका पोस्चर जो है कंप्लीट उल्टा होता है। और हमने आगे भी ये देखा है कि बाबा ने कहा है कि जड़े है वही उसका मुख है, ऐसा नहीं होता तो हम क्या, हम पानी कहाँ डालते हैं, वनस्पति को उसके जड़ में डालते हैं, ना कि ऊपर टहनियों में नहीं पानी डालते हैं, क्योंकि वहां नीचे उसका मुख है तो इसीलिए उसका पानी हम नीचे डालते हैं, खाद नीचे डालते हैं। कोई जो है उनकी शाखाएं जो है पेड़ की ऊपर फैला हुआ उसके ऊपर कोई वो धूल पत्ती निकल जाने के लिए हम छिड़काव करेंगे पानी का, वो बात और है। तो इस प्रकार पहला ये मोड़ आता है जहां पर पोस्चर उल्टा हो जाता है। अब यहाँ से चल के वनस्पति का रूप के आगे उत्क्रांति के दौर में आत्मा आगे जाता है कीटक योनि में। अब कीटक योनि में दूसरा मोड़ आता है, पोस्चर या मुद्रा का ये दूसरा मोड़ है जहाँ पर वो एकदम समतल हो जाता है भूसपाट समतल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और यहाँ उसका मुख ऊपर है ऐसा बाबा ने कहा है। और ये क्योंकि ये उल्टा था, इस प्रकार था, तो ये अब इस प्रकार हो गया है ना। अब यहाँ ये गुड़िया के माध्यम से बाबा ने बहुत बढ़िया समझा है कि वो कीटक योनि में ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है उसका पोस्चर या मुद्रा, ये हो गया दूसरा मोड़ या सेकेंड टर्न।
अब यहाँ से आत्मा उत्क्रांति के विकास क्रम में आगे बढ़ के जाती है और वो मत्स्य योनि में जाती है, जहाँ पर एक तीसरा महत्वपूर्ण टर्न आता है या तीसरा मोड़ आता है, जहाँ पर उसकी मुद्रा बदल जाती है। और मुद्रा कैसी होती है, फिश को आप देखोगे तो इस प्रकार रहता है, इस प्रकार है ना, ये उसका मुख है और यहाँ से वो जो भी उसका खाद लेना है, सांस लेना है, तो इस प्रकार तैरता है वो फिश, जैसे कि यहाँ आकृति में दिखाया है, केतकी ने एडजस्ट की है आकृति, तो ऊपर की तरफ है वो मत्स्य की मुद्रा, इस प्रकार है जैसे भुजंगासन में हम करते हैं। भुजंगासन आप लोगों को पता होगा, तो जैसे भुजंगासन में हमारी मुद्रा होती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मुद्रा या पोस्चर हो जाता है आत्मा का। अब यहाँ से चलते हैं, ये हो गया तीसरा महत्वपूर्ण मोड़। अब यहाँ से, अब इसमें कई सारा वहां डिस्कशन हुआ पोह किया है कि खेकड़ा पहले है कि खेकड़ा अंत में है, क्योंकि खेकड़ा का बिल्कुल उल्टा होता है, इस प्रकार खेकड़ा होता है चाल से, और इसके ऊपर काफी सारी चर्चा की है। हम महत्वपूर्ण बात ये समझेंगे जो बाबा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे उत्क्रांति के रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य का रूप ही एक रूप इस सारी उत्क्रांति के दौरान अलग अलग मुद्राओं में होता है और मनुष्य का रूप ईश्वर की प्रतिमा को प्रतीत करता है, इतना हमको देखना है। आगे मत्स्य योनि से चलती है आत्मा, उसकी उत्क्रांति हो करके वो चलता है, तो चौथा महत्व दूसरा आगे चौथा मोड़ आता है, टर्न आता है, तो वहां पर वो पंछी बन जाता है। उसके बीच में वो खेकड़ा को बाबा ने बताया है कि उसकी दोनों हाथ भी नीचे, पैर भी नीचे और मुंडी भी नीचे, ऐसा बताया है। अब स्वाभाविक है क्योंकि मछली में वो ऐसा है, तो ऐसा से उसको ये होना है, तो वो पहले अपने, जैसे आप भुजंगासन कर रहे तो क्या करेंगे आप, उठना है तो वैसे हाथ उसने टेके है, पैर टेके है और वो उठने की दशा में है, जैसा हम समझ रहे हैं कि उठने की दशा में खेकरा में है। अब वहां से उसका चौथा मोड़ आता है और वो पंछी बन जाता है, जहां पर बहुत सुंदर चित्र दिया है ये एडिटर्स ने कि पंछी कैसा होता है कि हम बैठ करके दोनों पैरों में बैठ के अगर हम हमारे हाथ, जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, हाँ नेहा बोल रही हूँ मैं जी, नेहा जी, हाँ हाँ, ये वर्म किंगडम के बाद में फिश किंगडम है, तो वर्म किंग, हाँ, और फिश किंगडम में पेंगुइन बाबा ने बताई है जो कि जमीन पे भी चल सकती है और पानी में भी रह सकती है, तो वो सबसे उत्तम अवस्था उन्होंने बताई है। और उसके अलावा जो वर्म किंगडम है उसमें सांप का जिक्र है, कॉन्शियसनेस जिसकी सबसे अधिक अवस्था, उन्नत अवस्था उसकी होती है। तो ये मुझे फिश जो पहले इन्होंने बनाया है, और एक और जो चित्र है यहाँ लेफ्ट में जो क्योंकि मेन जो है आपकी बैकबोन स्ट्रांग होती है और बैकबोन जो स्ट्रेट होती है वो हमारी एवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो प्रोसेस हुआ है, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है उसमें हमारी बैकबोन एस्टैब्लिश होना ही सबसे बड़ा प्रोसेस है। तो ये जो है ये थोड़े से बहुत तो नहीं, लेकिन क्रैब इधर आना चाहिए था, फिश उधर होनी चाहिए थी, या फिर हो सकता है इन्होंने अलग ढंग से कुछ सर्कल बनाया हो, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो फिश बाद में आएगी, पहले जो है वो वर्म किंगडम आता। जी जी, एडिटर ने आकृति, नहीं मैं किताब से पढ़ के ही बता रही हूँ आपको। आगे किताब में हम देखेंगे कि बाबा ने आगे क्या बताया है किताब में, वो देखते हैं। पहले तो इस आकृति को हम ठोक ठोक समझ लेते हैं। दूसरा ऐसा है कि जैसा इन्होंने यहाँ बताया कि सांप का, पेंगुइन का और भी कई सारा है, आगे चल के गॉड स्पीक्स में और दूसरे डिस्कोर्सेस में आप देखोगे तो इसका विवरण आपको और अलग मिलेगा। हमको इसीलिए इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बाबा छोटे 10 से 14 साल के उम्र के बच्चों को ये समझा रहे हैं और एक गुड़िया के माध्यम से ठोक ठोक उन्होंने पोस्चर के मोड़ कैसे बन जाते हैं, किस तरह से अलग अलग तरह से, जो उनको पता है, जो पशु प्राणी पंछी जो उनको पता है उनके माध्यम से। अब जैसे यहाँ टर्की वाटरफॉल वगैरह इन्होंने दिया है,
तो ये आम नहीं है, ये सहजतया कहीं नजर नहीं आ जाते हैं। तो आगे पंछी का जो रूप है वहां पर ये चौथा मोड़ है, और वहां पर उसके हाथ उसके पंख बन जाते हैं। यहाँ पर ये जताने की बाबा बता रहे हैं। यहाँ से चल के आगे इसको पांचवा जो मोड़ है, ये चौथा मोड़ में ही उन्होंने एनिमल को भी लिया है, पशु को, कि यहाँ पर आकृति में। और उसके बाद में पांचवा महत्वपूर्ण मोड़ आता है, यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है, कांगारू लिखा है, डॉग लिखा है, कि जहाँ हम देखते हैं कि जैसे धीरे धीरे उस आगे के पैर का काम या विकास हाथ के रूप में धीरे धीरे हो जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मंकी है, बंदर जिसको बोलते हैं, जहाँ डार्विन का सिद्धांत भी है इसके बारे में, तो आगे वो मंकी करीब करीब मनुष्य जैसा है, और उसके हाथ का उपयोग वो अधिक करता है, मनुष्य जैसा खड़ा रहता है, बैठता है। तो इस प्रकार से वो पांचवा महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके पश्चात आता है मनुष्य, कि जो सीधा दो पैरों पे खड़ा है और दो हाथ उसके है और बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में या मुद्रा में ये खड़ा है। अब ये हुआ जो ऑडिटर ने, सॉरी एडिटर्स ने, किस पुस्तक की जो एक कलाकार टीम है उन्होंने बाबा का लेक्चर पढ़ के इस आकृति को अपने दिमाग से बनाया है। मूल आकृति जो हमने पहले देखी उतनी ही बाबा ने बताई है। इसको बाबा ने तो वो गुड़िया को अलग अलग ढंगों में उसको पोजीशन ये दिखा करके उसको समझाया है। इस आकृति को बाबा ने दिखाया नहीं है, ये एडिटर्स ने अपनी तरफ से डेवलप की गई है। फिर भी जब हम लेक्चर पढ़ रहे हैं तो ये की टू फिगर 25 एक बार मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ एक एक पढ़े और फिर आगे हम चलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कई सारे बातें होगी जिससे हम शायद सहमत नहीं होंगे, तो हम उसी को वहां पर ही छोड़ देंगे और बाबा के लेक्चर पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। जय बाबा साहब। सो दिस इज नाउ की टू फिगर 25। ऑल्दो नन ऑफ द सोर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोवाइड एन इलस्ट्रेशन, nonetheless their text alludes to a figure three times in a way suggesting that the illustrator was trying to portray the various movements and postures of the human form that Baba was demonstrating to the boys with his cloth doll as mentioned above. Figure 25 was accordingly created by the artist editor team in an effort to visually depict all of this. Every form in creation, as Baba explained, is nothing other than the human form in varying degrees of manifestation between the beginning and the end of the evolution. That latent human form achieves vertical upright posture through the course of 5 turns, although the information about these 5 turns वो नेक्स्ट पेज में गया सर, 201 में नीचे दिया है येलो पेज, एंड सर्टेन इवोल्यूशनरी फॉर्म्स। ओके, यस यस, एंड सर्टेन इवोल्यूशनरी फॉर्म्स इज इनकम्प्लीट एंड इनकंसिस्टेंट। फिगर 25 ट्राइज इन ब्रॉड स्ट्रेक्स टू गिव सम आइडिया ऑफ द प्रोसेस एज द आर्टिस्ट एडिटर टीम अंडरस्टैंड्स इट। The various evolutionary forms and corresponding human postures have been arranged in circular clockwise movement beneath an arc on top representing God beyond and point representing the creator point in an overall diagrammatic shape carried over from figure 24. The major stages and forms of evolution in figure 25 were all mentioned by Baba during his 18th December lecture, except for the class of birds which Baba brought into his evolutionary account a few nights later. Thank you, sir. Jai Baba. इसको हम एक बार as it is पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो इस दौरान चाहे discourses हो, God speaks हो, everything and nothing हो, ये lecture हो, tiffin lecture हो, हर बार हम देखते हैं कि कोई एक बाबा ने किस में ऐड कर दिया है, एक ही
प्रकार में उसको ऐड किया है। महत्व उस बात का नहीं है, इम्पोर्टेंस इस बात का है कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरे उत्क्रांति के दौरान जो मनुष्य का रूप है वही सेम ही रहता है, और वो अपनी मुद्राएं मनुष्य ही इन सभी रूपों में मनुष्य का ही रूप है, पर वो कैसे अलग स्थिति में है, कैसे अलग मुद्रा में है, कैसे अलग ढंग में है, और वो अपनी मुद्रा या पोस्टर हर बार कैसी बदलता है, इसको यहाँ बाबा बता रहे हैं। तो इसको एक बार ऐसे एज इट इज मैं पढ़ती हूँ। यद्यपि स्रोत पंडुलिपियों में से कोई भी एक चित्रण प्रदान नहीं करता है, फिर भी उनका पाठ तीन बार एक आकृति का संकेत देता है, एक तरह से सुझाव देता है कि चित्रकार मानव रूप के विभिन्न संचलन या गति या प्रवृत्ति और मुद्राओं को चित्रित करने की कोशिश कर रहा था, जिसे बाबा अपने साथ लड़कों को प्रदर्शित कर रहे थे कपड़े की एक गुड़िया के माध्यम से, जैसे कि ऊपर बताया गया है। यहाँ पर उन्होंने चित्र नहीं दिखाता है, वो तो गुड़िया का हाथ पैर ये सब हिला हिला के बाबा उसको बता रहे थे। खैर, चित्र 25 तदनुसार कलाकार संपादक टीम द्वारा, जैसे हमने पहले भी देखा, इस सब को दृश्य रूप से चित्रित करने का प्रयास में बनाया गया था। और इसका मूल चित्र क्या है, वो आकृति 24 नंबर जो पहले हमने देखी, उसी के आधार पर उन्होंने ये डेवलप किया। सृष्टि के हर रूप, जैसा कि बाबा ने समझाया, ये महत्वपूर्ण, सृष्टि के हर रूप जैसा कि बाबा ने समझाया, अभिव्यक्ति की अलग अलग डिग्री में मानव रूप के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर इतनी समझनी चाहिए कि कोई भी फॉर्म हो, कोई भी योनि हो, वो रूप मानव का ही है, और वो किस मुद्रा में उस रूप में या उस योनि में है, बस इतना यहाँ पर ये आकृति के माध्यम से उन्होंने जताया है एडिटर्स ने। विकास की शुरुआत और अंत के बीच वह अव्यक्त मानव रूप 5 मोड़ों के माध्यम से ऊर्ध्वाधर सीधी मुद्रा प्राप्त करता है। हालांकि इन 5 मोड़ों के बारे में जानकारी और कुछ विकासवादी रूप अपूर्ण और असंगत है, ये एडिटर ने लिखा है यहाँ पर। जैसा कि एनेक्स्चर आप देखोगे तो 487 से लेके 497 में इसका पूरी चर्चा की है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पेजेस डले हैं, जिसे चाहिए वहां से पढ़ सकता है। चित्र 25 प्रक्रिया का कुछ विचार देने के लिए व्यापक स्ट्रोक में प्रयास करता है, जैसा कि कलाकार संपादक टीम इसे समझती है। विभिन्न विकासवादी रूपों और संबंधित मानव मुद्राओं को शीर्ष पर एक चाप के नीचे एक गोलाकार दक्षिणावर्त गति में रखा गया है, जो ईश्वर से परे का प्रतिनिधित्व करता है, और निर्माता बिंदु का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बिंदु चित्र 24 से लिए गए समग्र आरेखीय आकार में है। जैसा कि आकृति में सामने आप देखते हैं, ईश्वर, निर्माता और निर्मिति बिंदु। विकास के प्रमुख चरण और रूप चित्र 25 में सभी का उल्लेख बाबा ने अपने 18 दिसंबर के व्याख्यान के दौरान किया था, जो अभी हम पढ़ेंगे। पंछियों के वर्ग को छोड़कर, जिसे बाबा ने कुछ रातों बाद अपने विकासवादी खाते में शामिल किया था, जिस दिन बाबा ने ये लेक्चर दिया उसमें पंछियों का भी शायद समावेश नहीं है। आगे हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हम ये जान जाएंगे। सर, श्वेता राव देते रहने देना, वो आकृति रहने देना, यदि कोई दिक्कत नहीं तो। जी सर। Today, Shri used a cloth doll to illustrate and explain more clearly his discourse on the evolution of form. He began the session underscoring the following. Remember this one point about fishes. Where are their eyes directed? When they dive down in water, their eyes are turned upwards. A practice quite contrary to that of humans, who look down when they dive. थैंक यू सर। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि आज श्री ने रूप के विकास या उत्क्रांति पर अपने प्रवचन को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक कपड़े की गुड़िया का उपयोग किया।
उन्होंने निम्नलिखित बातों पर जोर देते हुए सत्र की शुरुआत की। अब बाबा ने जो कहा उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। मछलियों के बारे में यह एक बात याद रखे, उनकी नजर किस ओर है? जब वे पानी में गोता लगाते हैं तो उनकी आंखें ऊपर की ओर हो जाती है, जो कि जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हमने देखा इस तरह से, तो ऊपर होती है उसकी आंखें, जो कि या साइडवेज होती है, जो कि मनुष्यों से बिल्कुल विपरीत है, जो गोता लगाते समय नीचे देखते हैं। अगर मनुष्य पानी में गया, पनडुब्बी गई और वो क्या पानी में गोता लगाया उसने, तो वो नीचे की तरफ देखता है, जबकि मछली का जो है ऊपर की तरफ आंखें होती है। ऐसा बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम देखते हैं पंछियों को, फॉर एग्जाम्पल कौवा देखते हैं तो उसका साइडवेज रहता है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा बदलाव इसमें है। आगे हम लेक्चर की ओर ध्यान देते हैं सर। द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट स्टेज, द स्टोन फॉर्म। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इवोल्यूशन इज स्टोन। दो ए स्टोन एपरेंटली लैक्स आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स एंड फीट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इन ट्रूथ दे आर देयर बट फोल्डेड अप एंड कॉम्पैक्टेड इन इट्स ओन बॉडी टू सच ए डिग्री दैट दे कैनॉट बी सीन as illustrated in figure 25. मेरी हिसाब में ये नया मुद्दा है, शास्त्र वाले शायद इसे मानेंगे भी नहीं, सर बता सकते अधिक विस्तार से। अब ये पहला चरण जो है पत्थर का रूप, इसके बारे में बाबा ने स्पष्ट किया है। अब विकास की शुरुआत के बाद पहला महत्वपूर्ण रूप पत्थर है। अब उत्क्रांति की शुरुआत के बाद क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पहले भी वायु है, हवा है, पानी है, ये सब है, पर हम बाबा ने पहले ही बताया कि पाषाण से शुरुआत करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण जो रूप है जो पाषाण है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि वो वायु और मैं पानी के बारे में आपको समझाने जाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसी में हमारा बुद्धि है गोता खाती है तो आगे के। तो पहला जो महत्वपूर्ण रूप है उत्क्रांति में वो पत्थर है। हालांकि पत्थर में स्पष्ट रूप से आंखें, कान, नाक, हाथ और पैर जैसे कि मानव शरीर के अन्य अंग नहीं होते हैं, नहीं दिखता है पत्थर में, वास्तव में वे होते हैं। अंडरलाइन इम्पोर्टेंट बोल पॉइंट, वास्तव में वे होते हैं, लेकिन उसके शरीर में इस हद तक मुड़े और जमा होते हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि पहला पत्थर का रूप है, जैसा कि हमने उसको बताया कि हम जो एक योग मुद्रा है वैसा करेंगे तो इस प्रकार से होती है वो मुद्रा। तो ये पत्थर में इस प्रकार से मानव का रूप लैटेंट है, सुप्त है, वही मानव का रूप उत्क्रांति की पूरी दशा में है, पर वो विभिन्न मुद्राओं में है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ बाबा बता रहे हैं। सर आगे दूसरा चरण। द सेकंड स्टेज द वेजिटेबल फॉर्म। मूविंग ऑन फ्रॉम स्टोन द लेटेंट ह्यूमन फॉर्म मेक्स इट्स फर्स्ट टर्न एंड अराइव्स एट वेजिटेबल एज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इन द इवोल्यूशनरी सीरीज। यू मस्ट हैव मार्क्ड the appearance of a tree. Its head is buried underneath the ground. That head has a mesh of hairs in the form of various fine roots. Its neck appears in the shape of the tree's trunk, and the large and small branches are its hands and feet. The smaller branches correspond to the human fingers and toes. Since the tree's head is submerged in the ground, to water it, to you pour at the base of the tree so that when the water soaks into the ground, the tree's mouth, which is the latent and invisible to the eyes yet still present amid the head and roots, can reach it and drink it and thus quench its thirst. Thank you sir. So yahan dusra charan hai vanaspati ka roop, और ये वनस्पति का रूप जो है उत्क्रांति की प्रक्रिया में, उत्क्रांति की श्रृंखला में, यह महत्वपूर्ण योनि है। क्यों?
क्योंकि सूक्ष्म शरीर का विकास यहाँ से शुरू होता है, जो कि पहले इसके पहले नहीं होता है सूक्ष्म शरीर। और जो सहज प्रवृत्ति है, नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो धीरे धीरे यहाँ से विकास होना शुरू होती है। इसके पहले नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं देखा गया है, इसीलिए मतलब जो प्राण है उसमें वो स्पष्ट रूप से यहाँ मतलब नजर देखने से नजर आ जाता है कि वो बढ़ रहा है, जिसे प्राण कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं। इसलिए ये वनस्पति की योनि इस उत्क्रांति की श्रृंखला में महत्वपूर्ण है दो हिसाब से। एक तो सूक्ष्म शरीर का यहाँ से विकास होना शुरू होता है और वो सजीव कहलाता है, और तीसरा कि उसमें जो सहज प्रवृत्ति है उसका विकास होना शुरू होता है। अब बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि दूसरा चरण वनस्पति का रूप, पत्थर से आगे बढ़ते हुए अव्यक्त मानव रूप अपना पहला मोड़ ले लेता है और अगले वनस्पति रूप में जाता है। ये फर्स्ट टर्न है, पहला मोड़ है जो कि इस लेक्चर का टॉपिक है। यहाँ मुड़ जाता है वो, अगर वो ऐसा मुड़ा हुआ था पत्थर में, सब कुछ गोल था, अंदर ही था, दिख नहीं रहा था, अब वो थोड़ा विजिबल हो गया, लेकिन वो उल्टी दिशा में है। अपने पेड़ की शक्ल तो चिन्हित कर ली होगी, इसका सिर जमीन के नीचे दबा हुआ है, उस सिर पर विभिन्न महीन जड़ों के रूप में बालों का एक जाल है, इसकी गर्दन पेड़ के तने के आकार में दिखाई देती है और बड़ी और छोटी शाखाएं इसके हाथ और पैर है। छोटी शाखाएं मानव उंगलियों और पेड़ की उंगलियों से मेल खाती हैं, क्योंकि पेड़ का सिर जमीन में डूबा हुआ है। पानी देने के लिए आप पेड़ के आधार पर डालें, ताकि जब पानी जमीन में समा जाए तो पेड़ का मुंह जो अव्यक्त है, दिखता नहीं है, हमारे मुख जैसा उसका आकार भी नहीं है और आंखों के लिए अदृश्य है, फिर भी सिर के बीच मौजूद है जमीन में नीचे, और जड़ें उस तक पहुंच सकती है और उसे पी सकती है और इस प्रकार उसकी प्यास बुझा सकती है, या उसमें से जो उसको जीवन सत्व अपने विकास के लिए बढ़ने के लिए आवश्यक है वो पेड़ ले सकता है। यस जय बाबा। द थर्ड स्टेज वॉर्म फॉर्म। वॉर्म कंप्राइजेस द नेक्स्ट मेजर फॉर्म एज इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम वेजिटेबल टू वॉर्म। द आत्मा मेक्स इट्स सेकेंड टर्न, falls flat on its back with face and eyes turned upwards as is illustrated in figure 25. Evolution in worm form begins with the smallest green insect. This insect has hands and feet so minute as to be imperceptible, yet they exist nonetheless. As evolution progresses, the hands and feet increase in size and become more apparent to the observer. Sir, यहाँ पर मैं आपको request करूँगी, नीचे एक footnote है, क्योंकि yet they exist nonetheless के साथ में वो God speaks का एक footnote महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं हिंदी में। Yeah, in God speaks, page 177, Baba refers to certain species occupying special seats in evolution. These tend to occupy transitional positions between one evolutionary kingdom and the next. This small green insect seems to represent one of the transitional forms. More are identified later in this lecture and in the lectures following. For a fuller discussion of these transitional species, see appendix 2, page 483. Thank you, sir. तो जैसा कि अभी पहला भी जो हमने वनस्पति का देखा, इसका पूरा विवरण बाबा ने टिफिन लेक्चर में दिया है, गॉड स्पीक्स में दिया है, डिस्कोर्सेस में भी दिया है, आप लोगों को याद भी होगा, इसको हमने पढ़ा था वहां पर भी, एक आकृति के माध्यम से बाबा ने इसको समझाया था। अब तीसरा जो तृतीय चरण है कृमि रूप, उसको देखते हैं। कृमि में अगला प्रमुख रूप शामिल है, जैसे कि यह वनस्पति से कृमि की ओर बढ़ता है, आत्मा अपना दूसरा मोड़, पहला मोड़ कौन सा था, पाषाण और
धातु से लेके वनस्पति का, वो उल्टा हो गया, शीर्षासन हो गया। अब वनस्पति से दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ आता है कीटक का, अपना दूसरा मोड़ चक्कर लगाते हुए अपनी पीठ के बल समतल गिर जाती है, चेहरा और आंखें ऊपर की ओर हो जाती है, जैसा कि चित्र 25 में दिखाया गया है। अब यहाँ पर भी बहुत सारा डिबेट हो सकता है, जैसा कि अभी नेहा मैडम ने बताया कि कई सारे कीटक होते हैं, जैसे कॉकरोच है, उसकी जो आंखें ऊपर होती है वो तो ऐसा सीधा रेंगता है, या कई सारे कीटक, कई प्रकार के कीटक है, लेकिन यहाँ बाबा उस मोड़ की, उस पोस्चर की जब बात कर रहे हैं तो उनके नजर के सामने एक निश्चित पहला रूप है उस योनि का, जिसको लेकर के बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं। उस योनि में कई हजारों लाखों रूप होंगे, कई प्रकार के कीटक होंगे, लेकिन जो पहला कीटक है उसको लेकर के बाबा ये जो पोस्चर बदलता है वहां पर, क्योंकि वो इस सब उल्टा है, फिर वो धमक गिर जाता है, अपने पीठ के बल गिर जाता है, अब उसका मुंह ऊपर है, वो कीटक दशा में उसका दूसरा टर्न होता है या मोड़ होता है। कृमि रूप में उत्क्रांति शुरू होती है सबसे छोटे हरे कीट से, मतलब बाबा के नजर के सामने यहाँ कोई स्पेसिफिक कीटक है जो अब छोटा है और हरा कीटक है। इस कीट के हाथ और पैर इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई नहीं देते। जो शास्त्र वाले हैं वो खोज सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा कीट है, फिर भी वे अस्तित्व में होते हैं, दिखाई भी नहीं देते हाथ पे। जैसे चींटी है, हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो इसमें से भी और सूक्ष्म होगा वो कीटक कौन सा, पता नहीं है मुझे। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, हाथ और पैर आकार में बढ़ते हैं और पर्यवेक्षक के लिए अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, हमें दिखाई दे पड़ते हैं कीटक जैसे ही। अच्छा, ये पढ़ना बाकी है, अब यहाँ पर एक जो फुटनोट है इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि दे एग्जिस्ट नंतले जो कहा है कि हमें वो दिखाई नहीं देते परंतु वे होते हैं। तो गॉड स्पीक्स पृष्ठ क्रमांक 177 में बाबा विकास में विशेष स्थान पर स्थित कुछ प्रजातियों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि अभी आप जोशी मैडम बोल रहे थे, ये एक विकास की श्रृंखला में एक दूसरे के बीच संक्रमण कालीन स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो एक मेजर बाबा बता रहे हैं, उसके सारे कीटक के प्रकार, सारे वनस्पति के प्रकार, सारे पाषाण के प्रकार यहाँ बाबा मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ छोटा हरा कीटक इन संक्रमण कालीन रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। संक्रमण जो है इससे इसमें, तो एकदम वो विपरीत दिशा में तो नहीं होगा, धीरे धीरे से उसका होगा। जैसा मनुष्य है तो एकदम बाघ से मनुष्य तो नहीं बना, तो पहले वो मनुष्य के लिए उसको बंदर जैसा, मतलब मनुष्य जैसा जानवर जो बंदर है वो बनना पड़ा, फिर वो मनुष्य। तो इस प्रकार से वो जो संक्रमण की स्थिति में जो होता है उसको बाबा स्पेशली यहाँ मेंशन कर रहे हैं। यह छोटा हरा कीटक इन संक्रमण कालीन रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। इस व्याख्यान में और अगले भाग में और अधिक की पहचान की गई है कि जैसा कि धीरे धीरे और को इंक्लूड बाबा ने किया है, और इसका अधिक आपको जानकारी चाहिए तो बिकॉज ऑफ लव एक सुंदर किताब है राणो गेले की, जिसने वो जो चित्र बहुत बड़ा आपने म्यूजियम में देखा होगा उत्क्रांति का जो बनाया है, और बाबा के निर्देशों से बनाया है, एक एक पशु, एक एक आकृति, एक एक पंछी के ऊपर इतना बार काम किया है। तो शुरू में उन्होंने कैसा बनाया, बाबा ने उसमें कैसा सुधार बताया, फिर वो सुधार करके उन्होंने कैसी आकृति बनाई और फाइनल अंतिम कैसी आकृति बनी, ये सारा उस किताब में, छोटी सी पर बहुत प्यारी सी किताब है। नेहा शरद ने वो पढ़ी है और लोगों ने शायद देखी होगी, मैंने एक दो बार उसका जिक्र किया था, आपको देखना है तो मैं अभी दिखा सकती हूँ। तो बिकॉज ऑफ लव में ये एक एक आकृति के ऊपर बाबा ने कैसे उनको एक, मतलब उन्होंने अगर बंदर निकाला या बाघ निकाला या मछली निकाली तो उसके बाबा ने कैसे सुधार किए है, उससे बाबा के हमारी दृष्टि सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है,
पर वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ देख सकते हैं। हमें जो प्रजातियां पता नहीं है वो भी उनको पता होगी, पर यहाँ सब कुछ मेंशन करना संभव तो नहीं है। तो वो जो मेंशन कर रहे हैं, हम फिलहाल उसके ऊपर ध्यान देते हैं इस व्याख्यान में और अगले भाग में, जो कि गॉड स्पीक्स में और अधिक की पहचान की गई है इन संक्रमणकालीन प्रजातियों की विस्तृत चर्चा के लिए परिशिष्ट दो, जो उसका जिक्र हम पहले भी किया, एनेक्सचर 2 487 पेज से शुरू होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें और भी इसका जिक्र किया है। जब तक कि सर आगे का पैरा पढ़े इन द फिश फॉर्म, तब तक मैं वो किताब ले आती हूँ। सर प्लीज। जय बाबा। इन द फिश फॉर्म एज इन द वॉर्म द फेस इज टर्न्ड अपवर्ड्स एंड द हैंड्स एंड फीट ऑफ द लेटेंट कॉम्पैक्ट ह्यूमन फॉर्म मैनिफेस्ट एज फिन्स एंड टेल with which the fish swims, dives, and generally propels itself through the water. There are many species of fish, from the smaller to bigger and the biggest. The third turn begins in worm and continues through fish, and the fourth is inaugurated when the latent human form turns its face towards downwards again, assuming first the form of a crab. As the evolving... सर यहाँ थोड़ा रुकेंगे क्या? Yeah, okay. क्योंकि यहाँ से फिर थोड़ा अलग टॉपिक शुरू हो जाता है। Yeah. जी जी जी, थैंक यू। अच्छा मुझे, हाँ तो आगे जो तीसरा स्टेज है, तीसरी मोड़ है, पोस्चर है, मुद्रा है कीटक के रूप में, उसके ऊपर बाबा कहते हैं कीटक जैसे ही मछली के रूप में चेहरा ऊपर की ओर मुड़ा होता है। और देखो यहाँ पर भी बाबा ने दोनों को समझाने के लिए क्लब किया है, पर कीटक में वो समतल उल्टा है, मछली में वो पलटा हुआ है, तो लेकिन फिर भी उसका मुंह ऊपर की ओर मुड़ा होता है और हाथ और पैर अव्यक्त या सुप्त, जैसे कि कॉम्पैक्ट मानव के रूप में, मतलब दिखाई हाथ जैसा नहीं देगा, पैर जैसा दिखाई नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं जिससे वो तैरता है, अपना सांस लेता है, मराठी में उसको कल्ले बोलते हैं शायद, और पीछे उसकी टेल होती है, तो पंख और पूंछ के रूप में वो हाथ, मतलब पंख मतलब उसके हाथ है और पूंछ के रूप में पैर उसके प्रकट होते हैं, जिसके सहारे मछली तैरती है, गोता लगाती है और आमतौर पर खुद को पानी में आगे बढ़ाती है। मछलियों की कई प्रजातियां हैं। अब इसमें भी छोटी से लेकर बड़ी और सबसे बड़ी तक इतनी विविध जलचर है कि कौन से जलचर, कोई जलचर होगा कि वो समतल पानी में ऊपर की सतह पर कर तैर सकता है, कोई है पानी और जमीन में दोनों में तैर सकता है, रह सकता है, कोई जलचर ऐसा होगा कि केवल समुद्र के बीच का जो स्तर है उसमें केवल वो अपना रहता होगा, कोई जलचर होगा कि एकदम समुद्र तल में वो रहता होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर हर जगह अलग है, उस हिसाब से उनके शरीर बने हैं और उस प्रकार से उनका वास्तव्य होता है। पर हमें यहाँ समझने की बात यह है कि सभी रूपों में मानव रूप ही सुप्त रूप में है, और वो कैसा, ये यहाँ बाबा समझा रहे कि उसके पंख जो है वो हाथ है और उसकी पूंछ जो है वो पैर है। तीसरा मोड कृमि से शुरू होता है और मछली के माध्यम से जारी रहता है, यहाँ पर वो खत्म नहीं होता है, वो कृमि से जरूर शुरू हुआ है, और जैसा कि अभी ये कह रहे कि सांप है और क्या क्या है, तो वहां से वो शुरू होके वहां पर खत्म नहीं हुआ है कीटक में, ना ही वो मछली के माध्यम से आगे जारी है, भले मुद्रा थोड़ी सी बदल है पर मुख्य बदल क्या है कि उसके हाथ है, पैर है, जो कि दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं भी देते हैं, और मुख उसका ऊपर की तरफ है। और चौथे का ये सबसे महत्वपूर्ण है, द थर्ड टर्न बिगिंस इन वॉर्म एंड कंटिन्यूज थ्रू फिश एंड द फोर्थ इज इनॉग्यूरेटेड, महत्वपूर्ण शब्द इनॉग्यूरेटेड, व्हेन द लैटेंट ह्यूमन फॉर्म टर्न्स इट्स फेस डाउनवर्ड्स अगेन। तो तीसरा मोड कृमि से शुरू होता है और मछली के माध्यम से जारी रहता है,
और चौथे का उद्घाटन तब होता है जब अव्यक्त मानव रूप अपना चेहरा फिर से नीचे की ओर मुड़ता है, जैसे कि बाबा यहाँ खेकड़े को पहला नहीं बता रहे, जिसके ऊपर इस किताब में काफी सारी चर्चा की है और उसमें एंड नोट 11 नंबर का एंड नोट करीब 2 पेजेस का है, लेकिन वो यहाँ पढ़ने में कोई मतलब हम समय व्यतीत नहीं करेंगे कि चाहे वो पहला हो या अंतिम हो। यहाँ बाबा ने उसको अंतिम कहा है कि वापस, क्योंकि उस तरह से हुआ है, वो ऐसा है, वहां से ऐसा हुआ, फिर वो ऐसा हुआ, तो इस प्रकार से है, क्योंकि पहले भी तो वो लैटेंट गोल था, वहां से वो उल्टी दिशा में हो गया, जब सर नीचे, अब यहाँ से वापस वो अगली दिशा में बढ़ता है और खेकड़े का अपना चेहरा फिर से नीचे की ओर मोड़ता है, पहले खेकड़े का रूप धारण करता है। सर, एज द इवॉल्विंग सोल 203, as the evolving soul progresses on into the animal kingdom, it takes numerous forms, the principal among these being the kangaroo, the dog and the monkey, which stands as the last in the series of animal. It should be marked that as evolution advances through the sequence of animal species, the front legs rise up higher and higher, as we see in the bears and lions, until in the dog form, the soul can actually sit on its hind legs, and in monkey, which is the last stepping stone in evolution, it can maintain a sitting pose like a human. Such is the evolutionary series. Then from stone to tree, worm, fish, crab, and animal, and to the human being. Thank you, sir. तो जैसे जैसे विकसित होती आत्मा पशु योनि या पशु दुनिया से आगे बढ़ती है, यहाँ कई रूप लेती है, इनमें से प्रमुख है कांगारू, कुत्ता, बंदर, जो जानवरों की श्रृंखला या पशु की श्रृंखला में अंतिम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जैसे जैसे पशु प्रजातियों के अनुक्रम के माध्यम से उत्क्रांति आगे बढ़ती है, विकास आगे बढ़ता है, सामने के पैर, जैसे कि हमने पहले भी देखा, सामने के पैर जैसा आप आकृति में देख सकते हैं, ऊंचे और ऊंचे उठ जाते हैं, जैसा कि हम भालू और शेरों में देखते हैं, जब तक कि कुत्ते के रूप में आत्मा वास्तव में अपने पिछले पैरों पर नहीं बैठ सकती है। और बंदर में जो विकास की अंतिम सीढ़ी है, वह मनुष्य की तरह बैठने की मुद्रा बनाए रख सकता है, तो फिर उत्क्रांति की श्रृंखला ऐसी ही है, पत्थर से पेड़, कीड़ा, मछली, केकड़ा और जानवर से इंसान तक। तो यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ है कि जो पहले फ्रंट लेग्स राइज अप हायर एंड हायर, जो कि बाद में आगे के पैर जो है हाथ का रूप लेते हैं। यहाँ पर 2 मिनट में यदि आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा प्लीज, और देख सकते हैं तो कोई बताइएगा, क्योंकि मैं तो किताब सामने पकड़ी है, मैं देख नहीं पाऊंगी, आप बोलेंगे तो पता चलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे कीजिए, ऊपर थोड़ा सा, हाँ लायन दिख रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है, लायन और हाँ मंकी और ह्यूमन फॉर्म दिखा, तो ये है बिकॉज ऑफ लव जिसका मैंने जिक्र किया, ये रानों के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया ये, एक ही इंग्लिश फॉरिनर बाबा के मंडली में शामिल थी, और यहाँ पर मनुष्य का भी दिया है जो आदि मानव जैसा दिखाया है, देख सकते हैं? हाँ जी जी दिख रहा है। हाँ, तो इतना ये हर चित्र का उन्होंने दिया है कि कैसे उन्होंने बदलाव किया। अब यहाँ घोड़ा और ये सब है, लेकिन मैं एक आगे के चित्र की तरफ जाती हूँ। नेवला जैसा दिख रहा है। हाँ जी, ये
फाइनल ऑयल ऑफ लिजार्ड है। लिजार्ड का बाग उन्होंने बहुत इसमें जिक्र किया है कि पहले उन्होंने कैसा दिखाया, फिर बाबा ने उनकी पूंछ को बदलाया। देखो जो बाबा ने उसकी पूंछ में बदलाव किया, ये बदलाव के साथ यह चित्र है, यदि आप देख सकते हैं तो ये बदल बाबा ने किया है पूंछ में भी, मतलब इतनी बारकाई से एक एक चित्र को वहां रेखाटा गया है। ये पंछी है और यहाँ पर मतलब ये जो कीटक का एक दिया है छोटा सा, मुझे पता नहीं है आप देख सकते हैं क्या, धुंधला सा दिख रहा है एक्चुअली। हाँ जी, तो इसको यहाँ हरे में दिखाया है क्लियर, और नीचे पेंसिल का है फाइनल और रफ, ये दोनों दिखाया है एक्चुअली। पहले ही मुझे स्कैन करके उनको भेजना चाहिए था ताकि वो, तो इतना मतलब छोटी छोटी चीजों का बारकाई से बाबा ने ध्यान रखा है यहाँ पर। ये आकृति को देख के शायद थोड़ा अंदाजा आ जाएगा, एक सांप है, बिच्छू है, मेंढक है। ये सब हमने अपना मैं जीव विज्ञान का छात्र रहा हूँ तो सब हमने पढ़ा है इनका, और हमको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में भी उत्पत्ति बताया गया था बहुत, तो वायरस से शुरू होके वायरस है, उसके बाद बैक्टीरिया है, फिर फंजाई है जिसको फफूंद कहते हैं हिंदी में, फंजाई है, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, मतलब उसके बाद एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स हैं, ऐसी प्लांट किंगडम की कैटेगरीज हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं सब ये जो ट्री हैं, जो हायर साइज के, बड़े साइज के जो आम के ट्री हैं, और उससे कम में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें छोटे तरह के पेड़ आते हैं, पेड़ पौधे, बेल जिसमें आती हैं, जैसे वो भी जैसे बेल आप कि वो बेल खड़ी नहीं रह सकती है लेकिन वो किसी सहारे पे ही चढ़ती है, तो उसमें भी इवोल्यूशन है वनस्पति जगत में बहुत। उसी प्रकार पशु जगत में भी बहुत इवोल्यूशन है, वो भी हमने बड़े उससे पढ़ा है विस्तार में अपने स्कूल में, बायोलॉजी के स्टूडेंट थे जब। जी हाँ, बहुत बढ़िया। मैं चाहती थी, मैं बोलने वाली थी कि आप इसमें और प्रकाश डाल सकते हैं, तो यहाँ नेहा जी अगर होगी तो ये देख रही होगी ये सारे चित्र जो सर बता रहे हैं। और सर मैं ये भी आपसे चाहूंगी कि वो कौन सा, देखो कई पेड़ होते हैं कि जिनकी शाखाएं नहीं होती है ना, मान लो कि नारियल का पेड़ है या पाम का पेड़ है तो सीधे पत्ते ही होते शाखा के रूप में, या ऐसी कौन सी वो पेड़ है उसको कौन सी प्रजाति कहते, कि उसके एक होता है जिसमें दो ही टहनी होती, दो ही ब्रांचेस होती, एक होता है उसमें चार से शुरुआत होता है और फिर आगे ये इसके विस्तार से वो बढ़ती रहती है, तो आपको जरूर पता होगा, आप याद करिए तब तक। नहीं ऐसे बड़ा मुश्किल है तो वनस्पति शास्त्र के स्टूडेंट को पता रहेगा जो बॉटनी पढ़ते हैं। जय मेहर बाबा। एक हरे रंग का जो तिलचट्टा होता है वो अगर आप घास में देखें तो बिल्कुल घास के जैसा ही लगता है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, तो उसका कहीं जिक्र हुआ है, और वो एक है जो जहां से बदलना, बल्कि मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यहां जोड़ना चाहूंगी गॉड स्पीक से, सिर्फ दो पॉइंट मैं छोटे छोटे कहना चाहती हूं ताकि रेफरेंस में याद रहे। जो बाबा ने कहा है कि गैशियस फॉर्म से जब स्टोन्स आते हैं नीचे तो वो औंधे गिरते हैं, और चूंकि वो औंधे गिरते हैं इसलिए वो बैक उनका जो रहता है वो ऊपर रहता है, और इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है एवोल्यूशन का, वो प्रोसेस पूरा जो है उस बोन को और उस बैकबोन को सीधा करने का ही पूरा प्रोसेस है। तो ये वहां से शुरुआत होती है कि सारे जो है आपके जो पाषाण युग है वो उसमें सारे ही वो औंधे गिरे हैं, और इसीलिए कीट मकोड़े की कोई भी प्रजाति आप देख लें तो वो उल्टे ही हैं, दरअसल वो सीधे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए जिसको महत्वपूर्ण कहा जाता है वो उनको कहा जाता है कि या तो वो जल से थल में आना उन्होंने शुरू कर दिया है, या उन्होंने सीधे खड़े होना शुरू कर दिया है, या कहीं उनका एक एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ है जो उनको एक एक्सटेंशन देता है बाकी उससे। और गॉड स्पीक्स में एक और बात कही है कि सोल इवॉल्व नहीं हो रही है, कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, और यहाँ सोल वर्ड शायद ज्यादा यूज किया है समझाने के लिए, या मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा ने कहा कि सोल तो वही रहती है,
वो ऑब्जर्वर जैसी रहती है, लेकिन कॉन्शियसनेस स्टोन में भी होती है और वो इवॉल्व होती चली जाती है, और जब ह्यूमन फॉर्म में आती है तो आपकी कॉन्शियसनेस जो आप हैं वो पूरे तीनों उसके साथ में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो ये दो चीजें मैं और जोड़ना चाह रही थी इसमें, ताकि वो पूरे उसका क्लैरिटी आ जाए, समझ में आ जाए, बस इतना सा चाह रही थी। शायद पहले कहा होगा, लेकिन सोल शब्द मुझे यहाँ पे थोड़ा सा खटक रहा। यहाँ सोल शब्द का इसलिए है क्योंकि रूप जो है वो रूप के माध्यम से ही सोल अपनी चेतना को विकसित करती है, तो बाबा ने ये समझ बूझ के यहाँ पर डाला है। तो छोटे बच्चों को समझा रहे, एज द इवॉल्विंग सोल प्रोग्रेसेस ऑन इन टू द एनिमल किंगडम, क्योंकि ये आत्मा कौन से रूप के माध्यम से सहारा ले रही है, वो माध्यम करके उस रूप को यूटिलाइज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, और वो माध्यम से फिर चेतना का विकास होता है। इसीलिए यहाँ जो सोल कहा है कि सोल कौन सा माध्यम रूप, कौन सा रूप माध्यम करके उपयोग कर रहे, विच फॉर्म इट यूटिलाइजेस एज अ मीडियम फॉर द डेवलपिंग ऑफ इट्स कॉन्शियसनेस, इसलिए वो सोल शब्द बिल्कुल सही है। दूसरी बात है जो आपने ग्रास हॉपर कहा, इसी का यह यहाँ पर चित्र छोटा सा है, एक कलर है और इसके नीचे जो दिया है, और आगे और क्या कहा आपने, ये जो आपने कहा कि बैक उल्टा है, या वही ये चित्र में भी बाबा ने दिखाया है कि उसका सर हाथ और पैर सब अंदर है और एक गोलाकार में है, तो ये बिल्कुल सही कहा है कि अपने बैकबोन को सीधा करने का ये चक्कर जो कह रही है, तो ऐसा तो बाबा ने कहा नहीं है, खाली वो पोस्चर अपना किस प्रकार से बदल रहा है, किस टर्न से, किस मोड से वो अपना पोस्चर बदल रहा है, मुद्रा बदल रहा है, ये बाबा ने कहा है। सर आगे प्लीज, रिटर्निंग टू Returning to further elucidation on certain stages of evolutionary journey, Shri explained, or Baba explained, regarding trees, you might say that just as the human form exhibits two hands and two feet with a fixed number of toes and fingers, a tree ought to manifest the same shape, but there actually is a tree with exactly two branches corresponding to the human arms and hands, and two other main branches corresponding to the legs and feet, and smaller branches like fingers and toes. In short, the larger and smaller branches of the tree, of this tree, precisely match the limbs of the human body. Thank you, sir. यही तो वो मैं पूछ रही थी कि वो कौन सा पेड़ है, शायद नेहा जी को पता है तो वो बता दे। तो उत्क्रांति की यात्रा के कुछ चरणों पर और स्पष्टीकरण देते हुए श्री ने, मतलब बाबा को तभी श्री बोलते थे, समझाया पेड़ों के संबंध में। आप शायद कह सकते हैं कि जिस तरह मानव रूप में दो हाथ दो पैर और पंजों और उंगलियों की एक निश्चित संख्या प्रदर्शित होती है कि दो हाथ है दो पैर है दस उंगलियां है, उसी तरह एक पेड़ का आकार भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन वास्तव में एक पेड़ है, ये बाबा कह रहे एक पेड़ है, एक विशिष्ट पेड़ के बारे में बाबा बात कर रहे, एक पेड़ है जिसकी बिल्कुल दो शाखाएं है, शायद बाइनरी या कुछ कहते पता नहीं, एक पेड़ है जिसकी बिल्कुल दो शाखाएं है जो मानव भुजाओं और हाथों के अनुरूप है, और दो अन्य मुख्य शाखाएं हैं जो पैरों और पैरों के अनुरूप है, और उंगलियों और पैरों की उंगलियों जैसी छोटी शाखाएं हैं। संक्षेप में इस पेड़ की बड़ी और छोटी शाखाएं सटीक है मानव शरीर के अंगों से मेल खाए। तो यहाँ पर उन्होंने 12 नंबर का उसको एंड नोट भी दिया है, एक दो मिनट में देख लेते हैं, अगर 18 दिसंबर एक 12 नंबर का एंड नोट उन्होंने दिया है, उसको एक दो मिनट में पढ़ लेते हैं। बाबा रेफरेंस अगेन टू दिस सिंगुलरी एंथ्रोपोमॉर्फिक स्पेसीज ऑफ ट्री,
शायद सर जानते होंगे, इन गॉड क्रिएटर एंड क्रिएशन मेहर मैसेजेस नंबर वन, मेहर मैसेजेस वन नंबर एट अगस्त 1929, स्पेसिफिक पेड़ के बारे में बाबा ने यहाँ पर भी उल्लेख किया था, मोर ओवर देर इज अ रिमार्केबल ट्री विच हैज एग्जैक्टली फोर बिग ब्रांचेस, ऐसी एक मतलब उल्लेखनीय पेड़ है कि जिसकी केवल चार ही शाखाएं होती है एंड 20 स्मॉल ब्रांचेस, 20 उपशाखाएं होती है, एंड इट्स शेप इज सच दैट इवन अ कैजुअल ऑब्जर्वर कैनॉट हेल्प नोटिसिंग अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन इट एंड एन इनवर्स ह्यूमन फॉर्म। तो इसकी इस प्रकार से ये स्पेसिफिक जो पेड़ है वो उसका आकार इस प्रकार होता है कि ऐसे ही सहजता से अगर कोई देखे तो भी उसको तुरंत मनुष्य का रूप और वो पेड़ में साम्य तुरंत नजर आ जाएगा। तो ऐसी कोई पेड़ है, शायद सर जानते होंगे या पता करके हमको बताएंगे, इसको ढूंढेंगे इंटरनेट में या जी जी सर इंटरनेट में मिल जाएगा। आगे चलेंगे, मूविंग ऑन। Moving on from the vegetable kingdom, the first worm form is exactly like a man's, but with its face upwards and its back underneath, and with the hands and feet so minute as to be imperceptible to ordinary eyes. But the world of nature does feature a form in which this can be seen clearly. The latent human in worm is the reverse of what we find in animal, where the face is turned downwards. Thank you, sir. तो वनस्पति, moving on from वनस्पति साम्राज्य, वनस्पति योनि से आगे बढ़ते हुए, पहला कृमि का रूप बिल्कुल मनुष्य जैसा है, लेकिन उसका चेहरा ऊपर की ओर और उसकी पीठ नीचे की ओर है, जैसे कि वो नेहा जी बता रही है कि पत्थर में पीठ ऊपर थी, फिर वो शीर्षासन जैसा हो गया, अब ये पीठ सीधी हो गई है, पर उसको खड़ा करना है ना, तो ये सारे मोड़ है उसमें, ये टर्न्स है, चेहरा ऊपर की ओर और उसकी पीठ नीचे की ओर है, और हाथ और पैर की टक्के इतने सूक्ष्म है कि सामान्य लोगों के लिए अदृश्य हो सकते, हम उसको देख नहीं सकते है, शायद वो क्या बोलते उसको बड़ा करने वाला भिंग, तो उससे शायद नजर आ सकते हैं, लेकिन प्रकृति की दुनिया में एक रूप की विशेषता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कृमि में अव्यक्त मानव हम जानवरों में जो पाते हैं उसके विपरीत है। मतलब जानवरों में हम जो लैटेंट या सुप्त मानव की आकृति देख सकते हैं, लेकिन कृमि में वो उसके उल्टा है, उसके विपरीत है, जहाँ चेहरा नीचे की ओर मुड़ा होता है। यहाँ पर वापस ये कहा है कि चेहरा नीचे की ओर मुड़ा होता है। अब इसमें कुछ पढ़ने लायक फुटनोट है क्या, उसको देख लेती हूँ दो मिनट में, पन्ना वापस गया ये जरा मुश्किल होता है। 18th December, अच्छा तो छोड़ देते हैं, इस एंड नोट को छोड़ देते हैं, सर आगे पढ़ेंगे प्लीज, पेज नंबर 204 पे जाते हैं हम लोग सीधा। या जी, द इवोल्यूशनरी मूवमेंट थ्रू द फिश किंगडम प्रोग्रेसेस थ्रू मेनी डिफरेंट काइंड्स एंड फॉर्म्स एज इट डज थ्रू द किंगडम ऑफ एनिमल्स अराइविंग इन द एंड एट द ह्यूमन फॉर्म। द फॉर्म्स आई हैव सिंगल्ड आउट for special note and explanation to you are among the chief forms, and the full tally of even just these chief forms is exceedingly great. Its account totals 84 lakhs, that is we find 84 lakhs of chief species, and many of these have their own major and minor branchings and subspecies and so forth. सर यहाँ एक फुटनोट है वो स्पेसीज में 84 लाख के लिए, वो भी पढ़ लेंगे प्लीज। या ओके, ए लाख इज 100,000,
84 lakhs adds up to 88,400,000. In God Speaks, Baba says that the soul passes through the same number of incarnations, 84 lakhs, in the incarnation cycle in human form. Evidently, this same number recurs both in evolutionary descent and reincarnation. Thank you, sir. गांगड़े सर है ना हमारे बीच में, नहीं है क्या? ठीक है, तो मछली योनि जो है, मछली दुनिया के माध्यम से उत्क्रांति कई अलग अलग प्रकारों और मेरे बाबा, हाँ जय बाबा सर, थोड़ा आपकी सहायता लेंगे। हाँ, इनफैक्ट मेरे पास आज पेजेस ही नहीं मेरे पास में, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ, आप जस्ट बी देयर, आप सुन लीजिए, फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि इस मुद्दे पर हम आपसे चाहते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ठीक है सर, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। तो मछली योनि के माध्यम से उत्क्रांति कई अलग अलग रूपों के और प्रकारों, कई प्रकार रहते हैं मछलियों के, उनके माध्यम से आगे बढ़ती है, जैसा कि यह पशु योनि में भी कई प्रकार होती है पशुओं के, और अंत में मानव रूप में पहुंचता है। आपके लिए विशेष नोट, महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए अभी इसको, आपके लिए विशेष नोट और स्पष्टीकरण के लिए मैंने जिन रूपों का चयन किया है, यहाँ पर बाबा ने सांप, बिच्छू, ग्रासहॉपर, ये सारे बाकी उद्धृत नहीं किए है। बाबा कहते हैं कि कुछ ही का मैंने चयन किया है, सभी का यहाँ उल्लेख किया नहीं है, पर आपके लिए विशेष नोट और स्पष्टीकरण के लिए मैंने जिन रूपों का चयन, यहाँ पर बाबा ने बच्चों को जो लेक्चर दे रहे, शुरू का लेक्चर है ये बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले ही देखा, इसको बाबा ने आगे विस्तार किया और कुछ ऐड किया वो अलग बात है, यहाँ पर बाबा ने जो बताया उसको हम ध्यान देंगे, कि आपके लिए विशेष नोट और स्पष्टीकरण के लिए मैंने जिन रूपों का चयन किया है वे मुख्य रूपों में से है, मेन जो है ठोक ठोक, जैसा कि बच्चे समझ पाए 10 से 14 साल की उम्र के, जो आम है उनको समझ में आ जाए, तो ऐसे मुख्य रूपों का ही मैंने यहाँ सिलेक्शन किया है, बाबा कह रहे हैं, और इन मुख्य रूपों की पूरी संख्या भी बहुत बढ़िया है। और ये जो है वो अच्छा उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया, इसका हिसाब कुल 84 लाख है, यहाँ बाबा कह रहे हैं। सर अब इसको ध्यान दीजिए कि ये जो सारी योनियां हैं इनके 84 लाख नंबर है, जबकि गॉड स्पीक्स में कहा है कि मनुष्य रूप में 84 लाख योनि, 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, तो मुझे स्वयं को यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, भ्रम है कि ये मेरे ख्याल से ये जो पाषाण से लेके मनुष्य योनि तक के 84 लाख है, फिर मनुष्य योनि में अपने अपने हिसाब से होंगे, या वहां पर भी उसको लेकर सारे पूरे 84 लाख है, ये क्या है माजरा, इसके ऊपर आप बोलना, थोड़ा मैं इतना पैरा कंप्लीट करती हूँ। और इन मुख्य रूपों की पूरी संख्या भी बहुत बढ़िया है, इसका हिसाब कुल 84 लाख है, अर्थात हमें 84 लाख प्रमुख प्रजातियां मिलती है, और इनमें से कई की अपनी बड़ी और छोटी शाखाएं और उप प्रजातियां भी है, कि इतना ये विश्व प्रचंड है, बहुत बड़ा है, कि उसमें हम कोई हिसाब नहीं रख सकते हैं, कितने जातियां, प्रजातियां, उपजातियां, इतने सारे प्रकार है, और इन सब में से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसकी चेतना पूरे अनुभव के साथ अच्छी विकसित हो जानी चाहिए इसके लिए। तो ये जो फुटनोट है वहां पर भी गॉड स्पीक्स का उल्लेख किया है, कि ये फुटनोट ऐसा कहता है, 1,100,000 मतलब 84 लाख को उसने समझाया है क्या होता है। गॉड स्पीक्स में बाबा कहते हैं कि आत्मा इसी संख्या में मानव रूप में पुनर्जन्म चक्र में 84 लाख से गुजरती है, जाहिर तौर पर यही संख्या उत्क्रांति और पुनर्जन्म दोनों में दोहराई जाती है। तो यहाँ एडिटर ये कहते हैं कि ये 84 लाख योनि का है, जो दैट इज इम्पोर्टेंट फिगर, द सेम इज हियर फॉर द इवोल्यूशन प्रोसेस, उत्क्रांति से लेके मनुष्य तक, एंड सेम इज देयर फॉर
ह्यूमन बीइंग फॉर पुनर्जन्म आल्सो, मतलब पुनर्जन्म के लिए भी यही 84 लाख आंकड़ा महत्वपूर्ण है। उसका कहना यह है कि पत्थर से लेके मनुष्य योनि तक भी 84 लाख योनि मतलब होती है पूरे, और मनुष्य के रूप में भी पुनर्जन्म में भी 84 लाख है। तो ये दोनों मिलके फिर क्या हो गया, 8 8 16 164 लाख कहना है कि कैसा गांगड़े सर, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालेंगे प्लीज संक्षेप में, क्योंकि आज अभी आवाज तो गई है लेकिन आगे दो पैरा हम खत्म करेंगे उसके पश्चात। जय बाबा। जय मेरे बाबा। अभी इसके पहले थोड़ी सी जो बात होगी आत्मा की, इट वाज एम्बोडीड सोल जो बाबा ने कहा था, जो जीवात्मा, आप जो सोल्स सोल पे जो डिस्कशन हुआ है ना, उसमें इट वाज रिगार्डिंग एम्बोडीड सोल जो बाबा ने कहा है, जीवात्मा के ट्रैवल के बारे में करा। और आप जो 84 लाख जो है, तो ये री इंकारनेशन में ह्यूमन बीइंग में तो 84 लाख, और एक जगह ऐसे भी पढ़ने में कि हर एक किंगडम में भी 84 लाख के थ्रू जाना पड़ता है, हर एक किंगडम में दैट ऑल्सो 84 लाख स्पीसीज, ये भी एक जगह पढ़ने में आया। तो इससे जो है क्लैरिटी के बारे में, और आप नेहा जी से वगैरह थोड़ा सा हम लोग, उन्होंने रिसेंटली गॉड स्पीक्स पढ़ी है तो शायद उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नो आइडिया सर, मुझे आइडिया नहीं इसका। 84 लाख से तो पक्का है ह्यूमन बीइंग में, और एक जगह मैंने पढ़ा कि हर एक किंगडम में भी 84 लाख के थ्रू जाना पड़ता है, 84 लाख स्पीसीज के थ्रू जाना पड़ता है, ये भी कुछ पढ़ने में आया है। तो मुझे भी थोड़ा रिकॉल करने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो रिकॉल हुआ मैंने आपको बताया। जय मेहर बाबू। थैंक यू सर, थैंक यू नेहा जी, पर इस बात को थोड़ा सब लोग ध्यान देवे कि ये बात सही है, यही बाबा ने कहा है ना, यहाँ पर ही बाबा ने कहा है कि ये जो क्रांति है ये 84 लाख है, और उसमें भी जाती है प्रजाति है, और गॉड स्पीक्स में साफ तौर से कहा है कि 84 लाख पुनर्जन्मों से गुजरना पड़ता है। ये दोनों जगह हम दोनों पढ़ रहे हैं, तो क्या ये दोनों मिलके करना है क्या है, वो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे स्वयं को ये डाउट है, किसी को कुछ ठोक से पता है तो बता देना। सर गोयल सर आगे रिज्यूमिंग आवर नैरेटिव। रिज्यूमिंग आवर नैरेटिव वंस अगेन, आफ्टर द सीरीज ऑफ फिश एंड आफ्टर द कंगारू थ्रू द वेरियस एनिमल फॉर्म्स द हैंड्स एंड फीट एंड फेस आर टर्न टूवर्ड्स द ग्राउंड। The Atma can sit up on its hind legs and its front legs resembling hands raised, and from here evolution progresses to the final monkey form, arriving in the end at the form of the human. So to review, thank you. Soul, yeah, okay. And thank you, sir. तो बाबा कहते अपनी कथा को, ये जो कहानी चल रही है महत्वपूर्ण कहा, एक ही मुद्दा हमको यहाँ ध्यान रखना है। बाबा का ये कहना है कि मनुष्य का रूप, कोई भी रूप हो उसमें लैटेंट है, एक ही मनुष्य का रूप ये सभी वो उत्क्रांति से गुजरता है, वो भले दृश्य हो या ना हो। अब इसी कथा को आगे एक बार फिर से शुरू करते हैं कि मछली की श्रृंखला के बाद और कांगारू के बाद विभिन्न जानवरों के रूपों के माध्यम से हाथ और पैर और चेहरे को जमीन की ओर कर दिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि मछली की श्रृंखला के बाद बाबा कहते हैं, और कांगारू के भी बाद, क्योंकि कांगारू तो ऐसा रहता है, सीधा रहता है, विभिन्न जानवरों के रूपों के माध्यम से, जैसा कि शेर है, भालू है, हाथ और पैर और चेहरे को जमीन की ओर कर दिया जाता है। हाथ भी नीचे है, पैर भी नीचे है, चेहरा भी नीचे है, जैसे कि आप शेर को अच्छे से इसको दर्शाता है, जब तक कि कुत्ते के रूप में आत्मा अपने पिछले पैरों पर बैठ ना सके, अभी कुत्ते के रूप में अलग हो जाता है। इसके अगले पैर जो कि हाथों के समान है उठे हुए, और यहाँ से विकास अंतिम बंदर के रूप में आगे बढ़ता है, उसके हाथ और भी आगे के पैर मतलब और भी शॉर्ट हो जाते हैं पैरों के हिसाब से, जो कि हाथ का कार्य करते हैं, और अंत में मानव के रूप में पहुंचता है। सर, सो टू रिव्यू, इन स्टोन फॉर्म द हैंड्स फीट आईज हेड एक्सेट्रा ऑफ द लेटेंट ह्यूमन फॉर्म आर प्रेजेंट,
but compacted and folded in upon themselves to the point where they cannot be seen. Evolution is complete when these have been completely unfolded and the Atma can stand erect with its heads up as in the human form. So how many turns takes place through the course of this evolutionary process? 5 in all, 4 of them forward and 1 reverse. Thank you, sir. तो समीक्षा करने के लिए पत्थर के रूप में अव्यक्त मानो, अभी ये बहुत डिबेटेबल है पर ये बाबा ने कहा तो मैं तो शत प्रतिशत मानती हूँ। यहाँ सर भी है, हाथ है, पैर है, सब अंदर है। जैसा कि न्याय जी ने कहा कि उसके बैकबोन उसका ऊपर है, गोल है। पत्थर के रूप में अव्यक्त मानव रूप के हाथ, पैर, आंखें, सिर आदि मौजूद है, लेकिन वे अपने आप में इस हद तक, देखो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस हद तक संकुचित और मुड़े हुए हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता है। इसीलिए बाबा ने ये डॉल का उपयोग किया वहां दिखाने के लिए, कपड़े की गुड़िया जिसको वो मोड़ के बता सके कि उन्हें देखा नहीं जा सकता है। विकास या उत्क्रांति तब पूरा होता है, पूरी होती है जब ये पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाबा का पॉइंट यह है कि ह्यूमन फॉर्म एज द ओनली फॉर्म इन इवोल्यूशन, ये उत्क्रांति में केवल मानव का ही रूप पूरा है, लेकिन वो अलग रूपों में, अलग ढंगों में, अलग मुद्राओं में प्रतीत होता है। पत्थर में भी है पर वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए इसका विकास या उत्क्रांति तब तक चलती रहती है जब तक कि ये मानव का रूप पूरा प्रकट नहीं हो, जब तक कि ये मानव का चेहरा, उसकी आंखें, उसका सर, उसके बाल, उसके हाथ और पैर पूरी तरह से प्रकट ना हो जाए तब तक ये उत्क्रांति चलती रहती है। और बाबा ने यह भी कहा कि मानव का रूप जो है वो ईश्वर की प्रतिमा को प्रतीत करता है। तो ये एक तरह से बाबा ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उत्क्रांति तब तक चलती है। ये दूसरा महत्वपूर्ण और नया मुद्दा है कि जब तक ये विकास क्रम में, जब तक उसका पूरा रूप निखर कर नहीं आता है, प्रकट नहीं होता है, तब तक ये उत्क्रांति चलती है, मतलब पाषाण से लेके मनुष्य तक। और आत्मा फिर चेतना का और भाग है वो अलग ही है। यहाँ हम केवल रूपों का चर्चा, रूपों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसको हम माध्यम के रूप में चेतना के विकास के लिए उपयोग करते हैं। और आत्मा सिर ऊपर करके खड़ी हो सकती है, यह प्रगति तब तक होती है, यह उत्क्रांति विकास तब तक होता है जब तक कि यह आंख, हाथ पैर, सर सारे प्रकट नहीं होते हैं, और जब तक कि आत्मा, आत्मा कहा है यहाँ पर, चेतना को खड़ा नहीं रहना है, आत्मा को ही खड़ा रहना है अपना रूप के साथ, मतलब उसके रूप को खड़ा होना है। तो जब तक कि आत्मा सिर ऊपर करके खड़ी हो सकती है तब तक ये विकास होता है जैसा कि मानव रूप में होता है। यह महत्वपूर्ण यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, इसी को ध्यान देना है। इस उत्क्रांति प्रक्रिया के दौरान कितने मोड़ आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर 5 ये महत्वपूर्ण जो टर्न्स है, मोड्स है कि जिसके माध्यम से धीरे धीरे ये रूप निखर जाता है, ये प्रकट होने लगता है। ये वो टर्न्स है या मोड्स है जहाँ की मुद्राएं बदल जाती है, पोस्चर बदल जाते हैं। उनमें से 4 आगे है और 1 उल्टा है। उल्टा कौन सा है? जो वनस्पति का है वो उल्टा है। तो यहाँ पर हमने ये 18 दिसंबर 1927 का बाबा का लेक्चर संपन्न किया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, थैंक यू गोयल सर, गांगड़े सर, नेहा जी, केतकी, श्वेतांबरी और जो भी यहाँ सहभागी हुए। अब प्रार्थना कौन करना चाहेगा? हाँ जी एक मिनट सर, नेहा जी जो आप, एक गांगड़े सर, हाँ एक मिनट, नेहा जी आप आरती करेगी आज? आरती, हाँ ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर उठाए तब तक हम गांगड़े सर को सुनेंगे। ये सब प्लीज। जय बाबा, जय बाबा। जो एरज जैसावाल ने गॉड 6 में जो क्लेरिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग द बर्ड्स एंड डेथ्स, उसमें द रेफरेंस टू 50 करोड़ ऑफ स्लीप्स
of death is approximately what one's soul has to undergo during the process of evolution of consciousness, of forms, and of reincarnation with the help of changes in the media. That is association with and dissociation from different forms of different species. 84 lakhs of shakings or reincarnations are in human form, but 50 crores of sleeps of death include pre-human forms, associations with and dissociations from media and the experiences of their impressions. Jai Mer Baba, Jai Mer Baba. बहुत बढ़िया सर, इसका सोर्स बताइए. इट इज गॉड स्पीक्स, गॉड स्पीक्स पेज नंबर 165 सप्लीमेंट में शायद है, गॉड स्पीक्स में है 165 पेज, 166 पेज नंबर. थैंक यू सो मच, थैंक यू गांगड़े सर, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए बोल रही थी. अच्छा संतोषी वर्मा जी, ठीक है आप प्रेयर कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया है प्रेयर के लिए. अवतार मेहर बाबा की जय, आप शुरू करिए प्रेयर. अवतार मेहर बाबा की जय. हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है. तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है. तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो. तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो. तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है. तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे. तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो. तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो. तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो. तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो. तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो. तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो. तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो. तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो. तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो. तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो. तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो. तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो. तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो. तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो. तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो. तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो. तुम परब्रह्म हो और परात पर परब्रह्म भी हो. तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही स्थान हो, अहूर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो. तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में उपूज्य है. हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं. हर एक विचार के लिए जो असत, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था. स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं. विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया. सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं. और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हरेक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हरेक शब्द तथा कर्म के लिए,
तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी इससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं, और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्न परमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु आया मुर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न थरिए सर खुदा ना जात थी वाकेफ थे बैठो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत ना तू आशिक भीन आरफ भी तुझे दरी याए वहदत मारफत नो होई तू पातू हमो रहे रब में साने बख्श जे ज्ञान इज़दनो के तू पर मातमा ज्ञानी छन मुख्तार इरफातु खुदा ना प्रेम ना प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीदे परमातू हमारे नाव भर दरिये तरावे तो हमें तरिये हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेन गे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेन गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमा तू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा सुंदर। जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा। संतोषी जी, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू सभी को। जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू मेहर बाबा। जय बाबा, जय बाबा। अभी अपना वीडियो तो खोल लीजिए। मैं बाबा के ग्रंथों को हिंदी में पढ़ती हूँ, लेकिन
अब बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो पढ़ा है वो अब समझ में आता है कि मैम ने क्या पढ़ा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक बार सभी लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, वही सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, तो जरा दर्शन तो दे दीजिए आप में जो बाबा है, वो बाबा का ये रूप का दर्शन दीजिए। जय बाबा, 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 जय बाबा। मेरे कृपा जी इसमें से पढ़ रही हूँ मैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छा लगेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वेरी गुड। बाकी लोग भी अपना वीडियो खोल दीजिए। श्वेता जी यार, ऐसे भी लेक्चर के बीच में थोड़ा बीच बीच में तो अपने मुखड़े दिखाया करो, क्या उसमें रिएक्शन है हमें देखने तो मिलेगी, सही है ना सर? जय बाबा रंजन दीदी, सबको जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। एक लास्ट टाइम एक ने बता, दो तीन लोगों ने बताया, जब तक लेक्चर चलता है तो बहुत सुंदर गाई आपने, बहुत ही बढ़िया, दिल को छू गया। बराबर है, बहुत सुंदर आरती गाई आपने। मैं सिंगर हूँ नहीं, मैं डरती हूँ इससे कि मेरे कृपा जी मुझे बोल ना दें कभी। आज पकड़ी हुई मैं। ऐसी पकड़ते हैं बाबा, ये बाबा ऐसे पकड़ लेते हैं और देखिए पता चलता है ना फिर कभी आपके मुँह से।